पीएम मोदी का फरीदाबाद की धरती पर आगमन हो चुका है और हमारे पास हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा मौजूद है, बहुत सरीखा अनुभव रखते हैं। सर, पीएम मोदी हरियाणा की धरती पर और फरीदाबाद को चुना है, आपका लगाव रहा है यहाँ पर, कितना उत्साहित हरियाणा नजर आ रहा है? आज देखिए, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व गुरु के रास्ते पर चल रहा है, फरीदाबाद के गरीब जनता को एक बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल अमृता अम्मा जी की कृपा से यहाँ उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और आप देखिए जन सैलाब, देखिए नरेंद्र भाई मोदी के स्वागत में किस तरह से उड़ा जा रहा है। मेरी कर्मभूमि रहा फरीदाबाद, मैंने बल्लभगढ़ से 2000 में चुना, अनिल जी को दिया है मैंने। रामविलास जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी लहर कम हो गई है, इतना उत्साह देख के लगता है कि विपक्ष को मंथन करने की जरूरत है? विपक्ष तो मैडम कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, विपक्ष है कहा है? बिल्कुल, और रामविलास शर्मा जो अपनी तीखी शैली के लिए जाने जाते हैं, कुछ विपक्ष जेल पर है और कुछ विपक्ष बेल पर है, ये अपने ही अंदाज में बयां कर दिया। और पीएम मोदी को लेकर, आगमन को लेकर कितना उत्साहित फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा नजर आ रहा है। और एक बार मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना उत्साह है। और व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रही है यहाँ पर। और 18 बच्चे, राजेश जी, पीएम मोदी का आगमन हो रहा है लेकिन विपक्ष है कि अभी भी मुखर हो रहा है, कभी कहता है कि अब अगली बार पीएम मोदी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का काम है विरोध करना, और ये तो अब मुकाबले में कोई है ही नहीं। आप देख रहे हैं किस तरह से चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी, हमारे प्रदेश में भी, हमारे जिले में भी, और बहुत सारे नई योजनाएँ हमारे यहाँ आ रही है, और आगे आने वाले समय में बहुत सारे हाईवेज, और हमारे एक FNG आज, और हमारे CM साहब से बात हुई है कि FNG रोड हमें जो नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ेगा उसकी भी जल्दी घोषणा होगी। सर, आपने जब चुनाव लड़ा तो अमित शाह आए और आज आपके क्षेत्र में पीएम मोदी आए, लगता है कि कुछ अलग राजनीति में जब आपने सक्रियता शुरू की तो एक अलग आपको आशीर्वाद मिला हुआ है? देखो, मेरे को तो बहुत गर्व की बात है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, इसलिए मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तमाम जो विधायक हैं, या मंत्रियों की यदि बात करें, चाहे पदाधिकारियों की बात करें, और निश्चित तौर पर गर्व का विषय है कि चिकित्सा के क्षेत्र में परचम लहराने वाला है फरीदाबाद, और इसका श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ माता अमृतानंदमयी अम्मा को जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।